आज सावन मास का द्वितीय सोमवार है और हम सब बाबा तिलेश्वर नाथ जा रहे हैं, जो सुपौल जिला के सुप्रसिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है, जहां काफ़ी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करवा करके जाते हैं। तो आप सब भी आइए और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जब पता चलता है तो आप सब भी जानिएगा, जिस मंदिर में बहुत भीड़ होता है तो आप सब भी इस मंदिर आने का प्रयास कीजिए और सुपौल जिला का सुप्रसिद्ध बाबा तिलेश्वर स्थान है तो आप सभी आइए। और हम सभी को 1 किलोमीटर पहले ही वाहन रुकवा दिया गया, उतना अभी वाहन रखने का व्यवस्था मंदिर परिसर में नहीं है, इसलिए 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोकना पड़ता है। तो गाड़ी रख करके कलम बाड़ी में गाड़ी हम सब लगा दिए और वहां से पांव पैदल चले, और पांव पैदल चलने में हम लोगों को मंदिर की दूरी लगभग, जहां हम लोगों को रुकवाया गया मंदिर की दूरी वहां से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही हम लोगों को रुकवा दिया गया, जहां हम लोगों को गाड़ी कलम बाड़ी में रखना पड़ा और कलम बाड़ी में गाड़ी रख करके हम सब वहां से पैदल चले। और गर्मी, बहुत गर्मी रहने के कारण हम सभी को घाम पसीना भी छूटा, लेकिन बाबा तिलेश्वर स्थान तो हम सबको पहुंचना ही था। तो हम सब भी अपने पैरों के सहारे चल दिए और गर्मी का आनंद ले रहे थे। तो एक तरह से समझिए जो आप गर्मी का आनंद ही आ रहा था, तो हम आप सबको क्या बताएं। तो जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो थोड़ा बहुत तो गर्मी, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की तो सहना ही पड़ता है। मंदिर में काफ़ी भीड़ था, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आए थे, तो उतना स्पेस अभी वहाँ है नहीं, तो स्पेस और बढ़ाया जाएगा। तो आप सब इसी तरह मंदिर पर प्यार, विश्वास, आस बनाए रखिएगा, तो वहाँ आप लोगों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्था और बढ़ाया जाएगा। जहाँ अभी दुकान दौरी भी बहुत कम है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सिंहेश्वर जाते हैं वहाँ लूट खडोस होता है, कहीं भी आप गाड़ी लगा दीजिए तो कहीं 100 रुपया 150 रुपया एक गाड़ी पर चार्ज किया जाता है, तो बहुत गलत लगता है। जो दूर दूर से भक्तजन जब आता है और उसके साथ विश्वासघात किया जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अंडा पंडा कुछ से कुछ जो मन हुआ, जैसा मन हुआ उस तरह का जब पैसे मांगने लगता है ना, पूजा पाठ श्रद्धा का चीज़ होता है, तो लोग को श्रद्धा से पूजा पाठ करने देना चाहिए, लूट खटोस नहीं करना चाहिए। पंडित पंडित को जो भी दक्षिणा लेना चाहिए तो उसके मुताबिक लेना चाहिए, जो श्रद्धालु देना चाहते हैं, ये नहीं जो आप कुछ चार्ज बढ़ा करके उससे मांग रहे हैं, जो चार्ज देने में वो सक्षम नहीं है तो ऐसा चार्ज मत मांगिए। यहाँ जो है इस मंदिर में, मंदिर हम पहुँच चुके हैं, इस मंदिर में किसी तरह का कोई लूट खटोस का कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पैसा कौड़ी का बात नहीं होता है, और मंदिर में बहुत बेहतरीन तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वहाँ पर शासन के लोग भी आपका अच्छी तरह मदद करता है अभी। तो आप सब तिलेश्वर स्थान में जा कर के पूजा पाठ कीजिए, और इस सोमवार जो छूट गए हैं वो अगले सोमवार को आइए और पूजा पाठ अवश्य कीजिए। अब हम सब मंदिर परिसर पहुँचने वाले हैं, तो आप सब को मंदिर परिसर का अंदर का भी वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो मेन गेट है बाबा तिलेश्वर स्थान सुखपुर सुपौल का, और ये झूला उला भी मंदिर के साइड में लगा हुआ है, तो आप सब अपने बच्चे को झूला भी अवश्य झूलाएँ, जो वहाँ लगाए हुए हैं उसको भी रोजी रोटी चलेगा। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सामान खरीदारी करें और झूला झूलाएं, जिससे मंदिर का व्यवस्था और मजबूत तो हो सकता है। तो आप सब मंदिर परिसर का तो भीड़ देख ही लिए, कितना भीड़ है मंदिर परिसर के अंदर में, तो आप सब ये भी मंदिर परिसर का भीड़ देख रहे हैं।
और पूजा पाठ करने में भी बहुत, मंदिर के अंदर एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, आप सभी को किसी भी तरह का दिक्कत अंदर में नहीं हो।